पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या को आत्महत्या का रूप देकर पुलिस को चकमा देने वाले शातिर हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा साथी अभियुक्तों के गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल कोड़िया टोला लक्ष्मीपुर निवासी अशोक पुत्र सीताराम के रूप में हुई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाल और SP रोहन बोत्रे ने बताया कि चिलवाताल थाना क्षेत्र अमहवा निवासी स्वर्गीय शंकर की पत्नी का अभियुक्त अशोक से अवैध संबंध था, जिसमें उसका दामाद सोहित निषाद इस अवैध संबंध में बाधा बन रहा था, जिसको लेकर पूरे परिवार ने मिलकर सोहित को शराब पिलाकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ में लटका दिया। लेकिन पुलिस की छानबीन में मामला सामने आया और पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। पूरी घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ ने बताया, मृतक की जो सास थी उसके पति जब गुजर गए थे तब इसके और उनके संबंध शुरू हो गए। हैं? वो ड्यूटी में भी जाना है ना, गोरखपुर लोकल थाना पीपीगंज में 22 मार्च को सोहित निषाद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद इसमें जो मृत्यु का जो कारण आया उसमें जो हत्या उसमें आत्महत्या नहीं लग रही थी, लेकिन क्योंकि जो शव था वो पेड़ से लटका हुआ था, उसके गले में फंदा था, तो कुछ हद तक इसमें प्रारंभिक प्रथम दृष्टया इसमें आत्महत्या लग रही थी। बाद में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें 5 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें विवेचना की गई, छानबीन की गई, नई जो भी तथ्य प्रकाश में है उसमें एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया। उस अभियुक्त के द्वारा घटना को कैसे कारित किया गया पूरा अपने बयान में बताया गया। उसके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक है उसकी सास से उसके अवैध संबंध थे। उसके बाद जो मृतक है उसकी अपनी पत्नी जो अंजनी है उससे मनमुटाव चल रहा था और बात बात पे लड़ाइयाँ होती थी, तो मृतक की सास के द्वारा अपनी बेटी को जो उसका दामाद है उससे आज़ाद कराने के लिए ये कहा गया कि अगर अवैध संबंध जारी रखने तो आप इसकी हत्या करो। तो इसमें जो चारों लोग हैं, मृतक की पत्नी का भाई, मृतक की पत्नी, उसकी सास और ये जो अभियुक्त हैं जो आज गिरफ्तार किया गया, इन 5 लोगों ने मिलकर जो मृतक है उसको हत्या कर दी, उसका गला घोट के हत्या की। उसके बाद उसको आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसका जो गमछा था गले में उसको बांध के और पेड़ से लटका दिया ताकि उसको आत्महत्या का स्वरूप दिया जा सके, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या नहीं आई, ये साफ साफ आया कि ये हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी सभी जो बचे हैं, हाँ, जो शेष 4 अभियुक्त बचे हैं उनको गिरफ्तार जल्दी किया जाएगा।